Hi everybody. So, welcome back to my vlog. अच्छा तो आज मैं जा रहा हूँ एक मार्केट जहाँ सबसे सस्ती ग्रोसरी मिलती है और कोल्स वूलवर्थ सबसे सस्ती ही मिलती है. आप ट्राई कर लेना, आप कंपेयर भी कर लेना चाहे. बट ये मेरे को किसी ने बताया था तो मैं आज मतलब मैं हो के तो आ गया था, गलती से पहुँच गया था. बट आज ख़रीदने में जा रहा हूँ सामान. और ये देखो भाई, पता नहीं कब आएगी यार गर्मियाँ यार. तो भाई कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है, वक्त बदल देता है, जज्बात बदल देती है, पता नहीं यार कब. अभी भी मैंने ये पूरी जैकेट पहन रखी है, पफ़ी जैकेट. और यहाँ पर आओगे तो पफ़ी जैकेट ही लेके आना. ऐसे मतलब जो इंडिया में चलती है वो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है और हवा से ठंड हो जाती है दुगनी, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा. तब भी आपको डबल एयरिंग करनी पड़ेगी. अगर मतलब मेरे को तो थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती ठंड, मैं रोड के बीच में की चल रहा हूँ. बट ये रहा कॉलेज, फिर से ये रहा ट्राम स्टॉप, मैं आ गया. और हवा अभी भी बहुत तेज़ चल रही है, देखो जूम इन नहीं होता यार गोप्रो में. बट मेरे को तो ठंड लगती है तो मैं यहाँ ऐसे साइड में आ जाता हूँ, ये बचा लेता है मेरे को. बढ़िया एकदम जुगाड़. ट्रैम स्टेशन खाली है एकदम. अभी आपको दिखाता हूँ कैसे ट्रैम आती है. यहाँ से 75 नंबर सीधा सिटी में जाती है. 75 देखते कहाँ पर है. एक तो मेरे को दिखती नहीं, ये रही 75, वो यूनिवर्सिटी ये रहा. और ये सीधी जाएगी यहाँ पर फ्लिंडर्स. फ्लिंडर्स उतर के जाना है, हमने चेंज करनी है यहाँ से, ये जो विक्टोरिया मार्केट ले जाए, लाट्रोप स्ट्रीट, ये रही. बढ़िया एकदम. बट ये आपको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, मेरे को अभी तक समझ नहीं आता ये सारे ट्राम स्टेशन्स. नहीं ट्राम है नंबर, ये आपको PTV वेबसाइट पे पता लग जाएगा कैसे करना. और यहाँ से डायरेक्ट ये 75 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भी जाती है, फ्लिंडर्स भी जाती है. हर कोई फ्लिंडर्स तो जाती है क्योंकि वो ही मेन है, CBD है तो जाना ही पड़ता है. और सारी मेट्रोज भी जाती हैं वहाँ पर. तो यस बिचेस. और यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे संडे पूरी रात ट्राम चलती है. और अगर आपको पूरी रात मतलब आप जा सकते हो और हर आधे घंटे में सर्विस है. ये देखो पूरी नाइट ट्राम हर आधे घंटे में सर्विस है. उन ये सारी नंबर जाएंगी नाइट ट्राम रनिंग दी स्ट्रीट्स. वाह. बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये बताओ. ये ट्राम आ गई गाइस, ट्राम के पीछे वाले कस्टमर हैं. कंसेशन एकदम 50% ऑफ हो जाता है. तो मेरे को ये पड़ा है $154 का 28 दिन का. तो महंगा तो है बट ये हर जगह चल जाता है. तो अगर आप ट्रैवल करते हो तो इसमें क्या होगा, आप सिटी से दूर भी रह सकते हो और आप रेंट तो कम दे ही रहे हो और फिर आप ये पास बनवा लो तो सही है. आपको ट्रैवल मतलब फ्री हो जाएगा एक काइंड ऑफ, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे. और $150 मतलब महीने का तो सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब महंगा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट. क्योंकि अगर आप कन्वर्जन करोगे मेरी तरह तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा. सिटी देख लो, आधा घंटा लग गया. ओ शिट, जल्दी जल्दी जल्दी, ये रही सिटी. मैं जान के एक स्टॉप पहले उतर गया क्योंकि दिखा सकूँ बढ़िया एकदम, क्योंकि मेरे को चेंज करनी थी विक्टोरिया के लिए अगले स्टेशन से. बट ये बढ़िया है एकदम, ये भाई बिल्डिंग यहाँ की वाइब भी अलग है. ठीक है वाइब दिखाऊँगा आपको, गाना भी फन. और हजार लोग मतलब ऐसे चलते फिरते दिख जाएंगे ना लोग, बढ़िया एकदम मस्त है. जो भी है जैसी भी है, ये वाइब ही अलग है सिटी की, सेक्सी वाइब. 35 नंबर की ट्राम में आपको चढ़ने का मौका मिला है तो ज़रूर चढ़ना, क्योंकि ये सबसे पुरानी ट्राम है. ये यही पता नहीं इसका रूट मेरे को अभी नहीं पता, बट बहुत सही है इसकी. मैं फ़ोटो लगा दूंगा, मैंने फ़ोटो भी खींची थी कल परसों. बट हमें ये नहीं लेनी है अभी, हमें यहाँ से ये रहा ट्राम स्टेशन और ये रही विक्टोरिया मार्केट. दिस इज द विक्टोरिया मार्केट, यहाँ सब कुछ सस्ते में मिलता है.
सस्ते का माल रास्ते में, कुछ तो ऐसा था, कुछ तो बोलते थे हम। मेरी विक्टोरिया, इसके टाइमिंग्स दिखा देता हूँ आपको मैं, ये खुली होती है 4 बजे तक। ओए यार खुल गया अब तो, चलो ये तो आप लोग नहीं खाते बट आपको ये चीज़ दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए बट सब कुछ मिलता है यहाँ पर सस्ता, ये चीज़ बाद में दिखाएंगे बट सस्ता बिल्कुल। मैं चिकन का रेट दिखा देता हूँ क्योंकि चिकन सब खाते हैं यहाँ पर, तो सब कुछ मिलता है, पोर्क बीफ सी फूड, सी फूड भी सस्ता। सी शेल भी मिलता है, हेयर सी शेल जो मैंने गोवा में गए थे, क्रेजी। चलो ऑयस्टर भी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक वाइन शॉप भी है। पोक वोक तो नहीं दिखाता आपको, सॉसेजेस भी है, बोलेंगे क्या क्या दिखा रहा है बट ये है, अब खाते हो तो सही है। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट सीधा जाके है, ये तो मैं ये स्टार्टिंग होती है इसलिए मैं यहाँ से दिखाया, लेके आ गया आप लोगों को। बट मास्क मैंने इसलिए पहन रखा क्योंकि बहुत लोग आसपास हैं, इसलिए मैं वॉइस बढ़ा दूँगा पोस्ट प्रोडक्शन में। जैसी भी आते हैं भाई, चिकन देखते हैं कितने का। ऐसे स्टॉल रखते हैं। श्रीलंका का भी फूड है यहाँ पर, ये कैनेडियन हॉट डॉग, शुगर केन जो, ये गन्ने का रस, और ले 10 रुपये का मिलता था यहाँ, पता कितने का है यहाँ होगा $3-4 का तो होगा, 200 रुपये का तो होगा पक्का। और ये यहाँ आपको पहले दिखा देता हूँ फिर मैं अपनी शॉपिंग कर लूँगा। यहाँ पर ये भी मिलता है, हैट्स वैट्स, यहाँ पर कपड़े भी मिलते हैं बहुत सस्ते, मैं आपको लेके जाता हूँ अभी। बट क्रेजी ये बंडाना भाई, बंडाना बंडाना देखता हूँ कितने का, बंडाना चाहिए मेरे को एक, $5 का डन। अब आपको ये मार्केट लगी हुई है, ये समर मार्केट बोलते हैं, विक्टोरिया समर मार्केट, यहाँ सारी वेजिटेबल्स मिलती हैं। अभी वहाँ जाएंगे, ये स्पैनिश खाना, होला स्पेन। टमाटर इतने सस्ते $3 का पूरा किलो, और ये सब कुछ आपको कोल्ड में डबल द प्राइस मिलता है, $3.50 के पूरे 1 किलो अनियन। अभी आगे आगे जाते जाओगे तो और सस्ता होता जाएगा। माहौल तो मस्त है यहाँ का, देसी भी मिलते हैं बहुत सारे, $5 के 1 किलो मशरूम, सही नहीं है ये पूरा बॉक्स $18 का, $2 के केजी, ये लेमन होते हैं यहाँ के। सब्जी मंडी फील जा रही है। $2 किलो, और ये एलडी में भी $3.50 है पर किलो, मेरे मुंह से रुपी रुपी निकलता रहता अभी भी बट हाँ $3.50 इसका था। ये देखो $3 का एक लेमन, और ये काफ़ी बड़ा है मेरे हाथ जितना है, ये सस्ता तो है। हनी भी मिलता है यहाँ पर, और बेसिकली फुल सब्जी मंडी है। ये $5 का एक गोभी पूरी, सही है, और अंडे भी सस्ते हैं यहाँ पर। भिंडी भी है, भिंडी प्रोडक्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में ही उगा रखी भिंडी, $12 केजी, सोचो ये सही है भाई। भिंडी अनियन भी $3 किलो, महंगे हो गए पिछली बार और सस्ते थे यहाँ पर। चलो
$1 की पूरी पन्नी है, पन्नी पॉली बैग सही है, उसमें $1 के 2 कैप्सिकम आ गए, ये जिंजर भी है, मशरूम भी है, मैंगोज क्रेजी, मैंगो के रेट अभी बताता हूँ मैं, क्रेजी केल भी सस्ता है भाई, ये तो पम्पकिन $2 एक किलो, देखो अच्छा होल है पूरा पम्पकिन $2 का, वाह क्रेजी, क्यूकम्बर $2 किलो, वाह इतना सस्ता है, और ये चीज़ें आप फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आप ये लेने जाओगे डबल द प्राइस मिलेगा, उससे अच्छा आप विक्टोरिया मार्केट आ जाओ एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट की तरह आ रखे हो, क्योंकि बेस्ट है चीप ये भी है, जैसे छोले भटूरे नहीं लगते थे ट्यूजडे को, ये लगता है रोज़ा यार, सब कुछ मिलता है भाई यहाँ पर, सब ईच एंड एवरी थिंग, चिकन से लेकर सब कुछ, और यहाँ पर वो भी है एक वाइन शॉप भी है, वाइन शॉप भी सस्ते में मिलता है, और यहाँ पर ये सब कुछ भी मिलता है, नट्स दाल दाल है भाई, ये राजमा पिंटो बीन्स भाई ढाई अच्छा $5 पर किलो, हाय आई एम जस्ट हैविंग अ लुक, हेलो भाई ठीक है, रॉकी रोड प्रोडक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये है डेट्स, मेरे को लग रहे हैं डेट्स हैं, बट इतना महंगा है ये, तो महंगा है, और यहाँ मसाले भी हैं भाई, ये इसका ये देख लो सारे मसाले मिलते हैं यहाँ पर, ये अनियन पाउडर जिंजर पाउडर ये है $5 $5 तो मिनिमम स्पेंड है ना, तो बेसिकली $2 का ये है 30 ग्राम, कोई 30 ग्राम के हैं कोई 15 ग्राम का है, जो महंगा है वो कम है $2 में, बट मैं यहाँ से नहीं लूँगा ये स्पाइसेस, क्योंकि ये कोल्स में भी मिलते हैं और कोल्स में सस्ते हैं थोड़े बहुत, और ये $2 के 50 ग्राम ये हो गया चिली पाउडर, ये सस्ता है कोल्स में, तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँ, दिस इज 3.49 kg, और यहाँ दो तरीके के प्याज आते हैं, एक सफ़ेद आता है एक एक पिंक प्याज आता है और एक ये आता है, ये भी सेम रेट है, बट फ़र्क मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो अगर देसी आ रहा है तो यही लेना, फ़र्क मेरे को नहीं पता, बट मैंने यही खाया था, बट सही था ये भी, इसमें थोड़ी मिर्ची कम होती है, जैसे इंडियन जैसा नहीं होता ये, और ये आलू है 3 वॉश पोटैटोस $3 के 1 किलो, सही है, अब आपको दूसरी मार्केट लेके चलता हूँ जहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ मैं शॉपिंग तो करनी है मेरे को, बट मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं लेना, और यहाँ पर 3 चीज़ें हैं बेसिकली, मैं एक तो ये सबसे चीप है, ठीक है ग्रोसरीज़ के लिए, ठीक है नॉनवेज के लिए भी चीप है, सबसे चीपेस्ट यही है, बट कुछ कुछ चीज़ें एल्डी में भी सस्ती हैं, एल्डी भी जा सकते हो आप, एल्डी फिर वूलवर्स फिर कोल्स, कोल्स और वूलीज एकदम एक बराबर है, और अगर दारू अगर सस्ते में चाहिए तो डैन मर्फी एक है, तो वो भी मस्त है, वो डैन मर्फी भी मैं जाऊँगा, बट ये धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ फ्रूट भी मिल जाता है बढ़िया एकदम। क्या हाल है, सॉरी भाई ये ब्लॉग जो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ वो 2 पार्ट में डालता हूँ अभी, ठीक है इतना घटिया लग रहा हूँ मेरे को, नहाना वाना भी है, ठीक है तो 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है फिर कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है तो देख लेना प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर दो, चटा चट चटा चट, ठीक है बस बढ़िया व्यूज़ तो आने लग गए भाई बिना प्रमोशन के, दिस इज़ आई एम डूइंग फॉर फन, बट देन बढ़िया चल रहा है, ठीक है चलते रहो बढ़िया।